मंदी 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 दोस्तों, आखिरकार यह आर्थिक मंदी है क्या? आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं केजी शुक्ला। आर्थिक मंदी यानी जब पैसों का प्रवाह यानी पैसे आना और जाना, आना और खर्च होना बंद हो जाता है, उसे आर्थिक मंदी कहते हैं। आर्थिक मंदी यानी बाजार से पूंजी का गायब हो जाना। आर्थिक मंदी यानी मार्केट में लिक्विडिटी की कमी। विश्व के तमाम बड़े अर्थशास्त्रियों ने पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के लेकर भविष्यवाणी कर दिया है और हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसका मंदी का प्रभाव हर एक सेक्टर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, अपने इंडिया में भी। इसमें अगर किसी भी सेक्टर की हम बात करें, जैसे कृषि सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में जो आज ग्रोथ एक साल पहले 5% की आ रही थी, वही ग्रोथ आज घटकर मात्र 2% की रह गई है। वैसे ही अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो जो ग्रोथ आज साल पहले 12% की थी, आज मात्र 0.6% की ग्रोथ आ गई, यानी 1% से भी कम, आधे फीसदी की उसकी ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, तो कई दिग्गज कंपनियाँ जैसे मारुति है, महिंद्रा है, टाटा है इत्यादि के यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में छटनी की खबरें आ रही हैं, यानी उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को काम से निकाल दिया है। दोस्तों, क्या हुआ तेरा वादा? यहाँ पर लाखों नौकरियाँ देने की बात हुई थी, वापस लेने की नहीं। और कहीं ये भी 15 लाख और किसानों की आय डबल करने जैसा कोई जुमला तो नहीं था? दोस्तों, हम एक साइकिल चलाने वाले को अगर ट्रक चलाने को दे दें, तो जो हालात बनेंगे वही हालात आज हमारे देश का बन रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें मारुति मार्केट लीडर है और जिसकी सेल्स जुलाई महीने में करीब 36% की गिरावट आई है सेल में। और वही अगस्त की भी बात करें अगर हम, तो मारुति की सेल सेम वही 35-36% फिर डाउन हुई है। और उसमें टाटा मोटर है, उसकी सेल अगस्त में 58% की डाउन हुई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की 25% सेल डाउन है। ट्रकों का बादशाह अशोक लेलैंड, उसका भी बुरा हाल है। और हर एक कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन कट किए हैं, सब ने 25-30%, 35% तक सबकी सेल कम है। ऐसे बुरे हालत में कुछ दिन पहले ये भी खबर आया कि 300 के आसपास डीलरशिप नेटवर्क बंद हो गए हैं, डीलरशिप कार डीलरशिप बंद हो गए हैं, यानी करीब 35-40 हज़ार जॉब वो भी गए हैं। सब कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन कट किए हैं। इतने बड़े सेल्स के आंकड़े ये साफ दिखा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी की हालत कितनी बुरी है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की, तो उनकी एक एसोसिएशन है निटमा, नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल मिल कॉरपोरेशन। उन्होंने बकायदा विज्ञापन निकालकर इस भयंकर आर्थिक मंदी आने का दावा किया। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि करीब देश भर में 25% टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं। ऑटो सेक्टर की छटनी को अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि तब तक टेक्सटाइल सेक्टर का आ गया। और इस भयंकर आर्थिक मंदी ने एक सर्वे के अनुसार 25 से 50 लाख नौकरियां केवल टेक्सटाइल सेक्टर में गई हैं। और टेक्सटाइल सेक्टर की अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, तो वो भी आपको करीब 30-35% तक कम हो गई है। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो 17 सालों में सबसे बड़ी गिरावट जुलाई महीने में हुई है। बड़े से बड़े कंपनियों के शेयर इस महीने 10-50% तक गिरे हैं, जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप की हालत तो बहुत ही दयनीय है। अगर हम मारुति जैसे दिग्गज की बात करें, मारुति जैसे बड़ी कंपनी की बात करें, तो उनके शेयर जो करीब 9000 का होता था, आज के डेट में करीब 6000 रुपये का रह गया है। हालात की गंभीरता का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, उन्होंने इसे अभूतपूर्व स्थिति करार देते हुए कहा है कि पिछले 70 सालों में उन्होंने इस तरह की
पिछले 70 सालों में हमने लिक्विडिटी को लेकर इस तरह का स्थिति का सामना नहीं किया जब पूरा फाइनेंशियल सेक्टर आंदोलित है। हमारी टीम ने करीब 400 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर सर्वे किया, जिसमें ऑटोमोबाइल से लेकर मशीनरी, गारमेंट, टेक्सटाइल और आपके इंजीनियरिंग गुड्स के कंपनियां थी। सबका यही कहना है कि ऑर्डर है नहीं, काम है नहीं, और पैसा जो बाज़ार में लगा हुआ है वो वापस नहीं आ रहा है। पैसा फंस गया लोगों का, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, रियलिटी ये है कि आज हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है और हमारी सरकारें अभी भी हवा में बातें कर रही हैं, जबकि आज हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर से खिसक कर 7वें नंबर पर आ चुकी है। लोगों की परचेजिंग पावर का ये हाल है कि आज के डेट में कि प्रोडक्ट की डिमांड न के बराबर है, यहाँ तक कि कंज्यूमर की पॉकेट 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट खरीदना भी अलाउ नहीं कर रहा है, जिसमें पार्ले जी और ब्रिटानिया दोनों के नाम आ रहे हैं, जो लाखों लोगों की नौकरी पर, हज़ारों लोगों की नौकरी को मतलब छटनी की तैयारी में है। तो इस तरह दोस्तों आज लाखों लोग बेकार हो चुके हैं, और अगर गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द कुछ आवश्यक कदम नहीं उठाए तो हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।